हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम्स की आप लोग बढ़िया से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। आई होप कि सारे चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो मोस्ट वेलकम योर फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। गाइज, हम लोग यहाँ पे सैनिक स्कूल, RMS स्कूल एंड सभी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आइकन्स एंड सिंबल्स। ओके गाइज, हम लोगों ने प्रीवियस डे में जो क्लासेस को देखा, उस क्लासेस में हम लोगों ने साइंटिफिक डिवाइसेस को देखा, जो कि आपके साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है कि आपकी रुचि मैम लगातार आपको एक बेहतर सेशन देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आई होप कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि रुचि मैम आप कौन से क्लासेस आने वाली हैं, या फिर बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मैम आपकी क्लास नहीं आ रही है। जैसा कि मैं कॉमेंट में लगातार देखती हूँ कि मैम अब आपकी साइंस की क्लासेस कब होंगी, तो गाइज मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि साइंस की क्लासेस, अल्टरनेट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस डे की क्लास में देखा कि साइंटिफिक डिवाइसेस, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आइकन्स एंड सिंबल्स, जिसमें कि GK का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ओके गाइज, आई होप कि सारे बच्चों ने, कुछ कुछ बच्चों को ये पता होगा, उनके नॉलेज में होगा, और कुछ कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, जो कि आज के सेशन में उन्हें अलग ही यूनिक सा चैप्टर मिलेगा। ओके तो चलो सेकेंड डे सेकेंड चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। ओके तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, और लाइव होने के बाद स्टार्ट करते हैं आइकॉन्स एंड सिंबल्स। बच्चे, अगर हम आपसे बात भी कहें कि आप कौन से कंट्री में हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से कंट्री में, तो आप बोलोगे मैम हम इंडिया में हैं। ओके, अपने नेशन का नाम बताओगे। हम लोग कंट्री का नाम बोलते हैं, नेशन का नाम बोलते हैं, है ना, यही करते हैं ना। तो गाइज, ये क्या सही है? हमारे जो इंडिया है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स हैं, सिंबल्स हैं, ये सब होते क्या हैं? अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर इंडिया में कैसे आप सर्वाइव करोगे, बताओ, है ना। तो हमें पता भी होना चाहिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप चैप्टर आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइज, चलो हमारा फर्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, आइए हम लोग देखते हैं ऑफिशियल नेम। जैसे कि अभी हमने आपको बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया बोल देंगे, है ना, कंट्री कह देते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेशन कह देते हैं, यही कहते हैं ना, नेशन यही कहते हैं। ओके, ये सबको पता है। लेकिन ऑफिशियल अगर नेम आप देखें यहाँ पे, तो ऑफिशियल हमारी इंडिया, यानी कि अगर दूसरे कंट्री वाले हमारे नेशन की बातें करते हैं या हमारी कंट्री का नाम जानते हैं, तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिख के आता है, क्या आपको सभी को पता है? तो कमेंट में कमेंट करिएगा, अगर आप सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा तो। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल नेम आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियल नेम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत गणराज्य। अगर आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए कि भारत गणराज्य इसका क्या होता है, इसका ऑफिशियल नेम होता है। ओके, तो ऑफिशियल नेम आपका क्या होगा, भारत गणराज्य। वेरी गुड, आप सभी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो अच्छा, एक बात और हमें पता चलनी चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी ये वर्ड क्यों कहा गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम आपको बताएं यहाँ से कि जो कंट्री है हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है, वो आपका एक तरीके से डेमोक्रेसी है। यहाँ पे पब्लिक को पूरी तरीके से फ्रीडम होती है कि वो अपने लीडर को चूज कर सकता है। सभी को पता होगा ना कि वो अपने फ्रीडम होती है उसको पूरी तरीके से, कि वो किसी को भी चूज कर सकता है ना, अपना लीडर। इसीलिए इसे कहा गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप कभी भी अगर बच्चा लोग ये इंडिया आप लोग प्रोनाउंशिएट करते होगे तो वो रॉन्ग वर्ड है। कभी भी आप, अगर आप करते होगे, आपके पेरेंट्स करते होंगे, तो आज ही आप उनको बोलोगे देखो मम्मा, देखो पापा, ये गलत आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत गणराज्य कहते हैं। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग लेके चले हैं ऑफिशियल नेम से। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलो, विजिबिलिटी एंड साउंड क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो आ जाओ, बता देना कोई भी आपको कंप्लेन होगी तो। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड थिंग देखते हैं। ओके,
सेकंड थिंग को हम देख लेते हैं, सेकंड हमारे पास आ गया, अरे वाह अपना तिरंगा आ गया भाई, अपना तिरंगा आ गया। और इस तिरंगे को हम आज देखेंगे कि हमारा तिरंगा है क्या, हम तिरंगे के बारे में क्या क्या जानते हैं, है ना। चलो आइए देखते हैं हमारे तिरंगे के बारे में। आ जाओ, नेशनल फ्लैग, अगर नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं तो हमने इसका नाम क्या रखा, तिरंगा। हम सभी को पता है कि भैया हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो क्या है, तिरंगा है। हम काफ़ी खुश होते हैं हमारे स्कूल में जब मनाई जाती है, 15 अगस्त में मनाई जाती है ना, जिसे हम नेशनल डे कहते हैं, 15 अगस्त, 26 जैन, ये सब को हम क्या मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे को हम लोग मनाते हैं। तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नेशनल फ्लैग का यूज़ करते हैं। ओके, अब ये नेशनल फ्लैग के बारे में हमें तो पता होना चाहिए, क्योंकि भैया ये हमारे इंडिया का शान है ना, हमारे हिंदुस्तान का जान है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि अब प्यारे प्यारे बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज इसमें 3 डिफरेंट कलर होते हैं, क्या होते हैं, 3 डिफरेंट कलर होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो टॉप मोस्ट पे कलर आपको दिख रहा है, ये देखो आप, आपको सिंबल भी दिखाए जाएंगे, ये जो टॉप मोस्ट पे कलर है वो कौन सा कलर है, वो सैफ्रॉन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो कलर है टॉप मोस्ट पे वो है सैफ्रॉन। नेक्स्ट कलर आप देखोगे तो इसे व्हाइट, एंड लास्ट कलर आपके लिए ग्रीन होता है। बच्चा ये कलर तो है, ये तो मुझे पता चल गया कि हमारे नेशनल फ्लैग में एक सैफ्रॉन है, व्हाइट है एंड ग्रीन है। बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, ये 24 स्पोक्स होते हैं। ओके, एक व्हील होता है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। अब वो क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ओके, आप सेशन में बने रहो, है ना। जब सैफ्रॉन की बात करते हैं तो सैफ्रॉन आपका सिंबलाइज्ड क्या करता है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज्ड करता है, तो बच्चा ये करेज एंड सेक्रीफाइस को सिंबलाइज्ड करता है। किसको करेगा, करेज एंड सेक्रीफाइस को। हमारे साथ साथ बच्चा लोग नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अपने आप को देखो, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक एक वर्ड का नोट्स बनाना होगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका अपना सुपर 40 चैनल आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो आ जाओ, वाइट, वाइट कलर क्या होता है, पीस एंड प्योरिटी, ये क्या करता है, पीस एंड प्योरिटी को सिंबलाइज्ड करता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ग्रीन फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, फर्टिलिटी बोले तो लैंड फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। ओके, चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि अरे मैम आपने ये तो बता दिया कि कलर कौन कौन से होते हैं, तो अब ये भी तो बता दो किसके शेप क्या होते हैं। तो इसके शेप आप हमेशा देखोगे रेक्टेंगुलर होते हैं, और कैसा रेक्टेंगुलर होता है, ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, तो हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर होता है। ओके, तो आओ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर। अब इसकी रेशियो क्या होती है, देखो हर चीज़ को ये आइकन्स एंड सिंबल्स में डिसाइड कर दिया गया कि इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, है ना। तो दिमाग में, अरे वाह, दिमाग में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि मैम आपने शेप बता दिया, रेशियो बता दिया, तो साइज़ क्या होगा इसका, क्या ऐसा होता है क्या कि इसकी मैम साइज़ क्या होगी, तो बच्चे इसकी साइज़ किसी भी साइज़ की हो सकती है। यानी कि आप कभी कभी छोटे फ्लैग लेते हो, कभी आप अपने स्कूल में देखते हो तो बहुत बड़ा फ्लैग होता है ना, बस वो शेप एंड उसका रेशियो डिसाइड हो चुका है, वो उतने ही रेशियो में रहता है। ठीक है, याद रखना सैफ्रॉन अलग होता है और ऑरेंज अलग होता है, दोनों ही कलर अलग होता है। सैफ्रॉन को हम प्रोनाउंशिएट केसरिया बोलते हैं और ऑरेंज को हम नारंगी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे फ्लैग में है वो सैफ्रॉन है, यानी कि केसरिया है। ओके, चलो, क्योंकि आपके कई बार कन्फ्यूज़न होते हैं इसको लेकिन रेशियो में, बच्चा देखना विड्थ टू लेंथ, जिसकी विड्थ टू लेंथ देखेंगे तो 2:3 इसकी क्या होती है, रेशियो होती है। ओके, दैट्स क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ फिर हम लोग बात करते हैं अशोका चक्र। आपको यहाँ पे कौन सा चक्र दिख रहा है, इसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं बच्चे, कौन सा चक्र, अशोका चक्र, जो कि आपको लगेगा कि मैम ये तो बीच में होता है यानी ब्लैक कलर का होता है, तो रॉन्ग बच्चा। आज आपके लिए न्यू एक नॉलेजबल फॉर्म में आएंगे, ये जो है नेवी ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, नेवी ब्लू कलर का, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। और बच्चे यहाँ पे बेस्ड ये किस पे, तो स्वराज्य फ्लैग पे, जो कि स्वराज्य फ्लैग आपका INC
आईएनसी ने लिया था, आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फुल कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से लिया गया था, तो स्वराज्य फ्लैग से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, स्वराज्य फ्लैग से लिया गया था। और बच्चे यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मैम ये तो बहुत बढ़िया लेकिन इसके डिजाइन किसने किया, फिर इसको इस तरीके से किसके मन में आया, किसके मन में ऐसा आया। आपने तो ये बता दिया कि इसका जो बेस है वो आईएनसी ने फुल कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, स्वराज्य फ्लैग से लिया था, लेकिन मैम एक बात बता दो कि इसको जो डिजाइन किया वो किसने किया, तो पिंगलिया वेंकैया ने, पिंगलिया वेंकैया ने, ठीक है, ये याद रखना है, इनका नाम आप याद रखना है, इन्होंने डिजाइन किया था। ओके, आई होप कि आपको अपने नेशनल फ्लैग के बारे में आज पढ़ के काफी इंटरेस्ट लग रहा होगा, वाह मैम मजा आ रहा है क्लासेस में। ओके चलो आ जाओ, तो स्वराज्य फ्लैग आईएनसी का फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया था, इसको डिजाइन किया था पिंगलिया वेंकैया ने। अब एडॉप्ट की बात करेंगे, तो इसे एडॉप्ट कब किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एडॉप्ट किया गया या फिर उसके बिफोर एडॉप्ट किया गया, तो बच्चे इसे एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई एंड 1947 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, हैंड स्पून क्लॉथ, अगर इसको आप बनाने जाओ ना तो आपको एक चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है। कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पे आप सभी लोग देखना इस चीज़ को, आ जाओ देखो, सारी चीज़ों को राइट डाउन आप करते जाना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, हैंड स्पून क्लॉथ यानी कि फॉर एग्जाम्पल्स में हम लोग कह सकते हैं लाइक खादी एंड फॉर एग्जाम्पल सिल्क, है ना, तो ये कौन से क्लॉथ का बना होना चाहिए, यानी कि हाथों से बुनाई। पहली बात तो नेशनल फ्लैग जो होता है उसकी हाथों से बुनाई होनी चाहिए, और उसमें क्लॉथ कौन सा यूज होता है, तो आपका खादी और सिल्क यूज करते हैं। ओके चलो आ जाओ, फ्लैग कोड क्या है बच्चे, ये फ्लैग कोड क्या होता है, चलो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना फ्लैग कोड। बच्चा फ्लैग कोड अपने जो नेशनल फ्लैग है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि फ्लैग कोड का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी चलते, यानी कि कार में, स्कूटर में, बस में, साइकिल में, ये सब में आप नहीं लगा सकते। हमारे नेशनल फ्लैग की फुल डिग्निटी होती है, उसे हमें मेंटेन करना होता है, और फुल डिग्निटी के साथ अगर हम बात करें तो इसे आप केवल और केवल टू फेस्टिवल, यानी कि जो आपका नेशनल फेस्टिवल होता है आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, फ्लैग का एक कोड होता है, हम कार, बस, एवं ही हम चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आई होप कि आप सभी को पता होगा, यस मैम हम लोग यूज़ नहीं करते, बाकी बच्चे यूज़ करते होंगे तो आप मना करना उनको। ओके चलो, अब आपके पास एक नॉर्मल सा छुट्टा सा क्वेश्चन, एक छुटकू सा क्वेश्चन बताना उस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ये बताओ, आप नेशनल फ्लैग है, कहीं ना कहीं आपने बोला कि मैम ये तो हैंड स्पून क्लॉथ से बना हुआ है, ओके, तो आपको पता चल गया कि यस मैम ये तो हाथों से बना है, कपड़े का बना है, तो कभी ना कभी तो डैमेज होगा ही ना। आपने जो क्लॉथ पहन के हमारी वीडियो देखनी है तो बताओ कितने दिन तक वो क्लॉथ पहनोगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, है ना, उसके बाद आपको कहोगे यस मैम ये तो मैं बोर हो गई इससे, अभी मैं मुझसे इसे क्लॉथ को नहीं यूज़ करना। तो जब आपके नेशनल फ्लैग का क्लॉथ डैमेज होता है तो आप क्या करते हो, सभी के लिए क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम लेंगे, अब बताना आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कॉमेंट में नीचे कॉमेंट करना, फटाफट कॉमेंट करो, क्या पता है, बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट आया क्या आप सभी का, आप सभी का भी कमेंट नहीं आया। ओके अच्छा, बहुत बच्चे कुछ और कह रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, आ जाओ सुनना, जब ये डैमेज होता है, यानी कि ये क्लॉथ का बना होता है, और जब डैमेज होता है बच्चा, तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, या तो आप फुल डिग्निटी के साथ, अगर ये आपका नेशनल फ्लैग डैमेज हो जाता है तो आप इसे फुल डिग्निटी के साथ या फिर बर्न करोगे, या फिर क्या करोगे, बर्न करोगे। बर्न का मतलब है आप पूरी तरीके से, सम्मानित तरीके से अपने नेशनल फ्लैग को जला देंगे, या फिर सम्मानित तरीके से यानी फुल डिग्निटी के साथ आप उसे बरी करेंगे, दफना दग देंगे। ओके तो आई होप कि आपको नेशनल फ्लैग के बारे में होल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके चलो आ जाओ, ये हम लोगों ने पढ़ाई कर ली तो इसे नोट डाउन कर लेना, आ जाओ नेक्स्ट थिंग हमारे लिए सिंबल में क्या है। अब हमारे लिए आ गया है
तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, नेशनल एंथम जन गण मन, ये क्या है नेशनल एंथम। हम लोग सभी लोग जब स्कूलिंग की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यही करते हैं, नेशनल एंथम करते हैं, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है ना, इसे ओरिजिनली कौन से तरीके से बताया गया था, तो आइए इसके क्रिएशन जो किए गए थे बच्चे वो ध्यान देना, इसे ओरिजिनल तरीके से देखा जाए, ओरिजिनली देखोगे आप तो इसे बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, कौन से लैंग्वेज में, बंगाली, ओके बंगाली। अब ये बंगाली किसने लिखा था, जिनका नाम प्यारे प्यारे हमारे, उनका नाम आप लोग गैस करना, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, और गुरुदेव किन्हें कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनके नेम के आगे गुरुदेव, ओके, ताकि आपको पता रहे कि किन्हें हम गुरुदेव कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, पूछ लिया जाए कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका सब नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इन्हें गुरुदेव कहा गया है ना, उपाधि नहीं होता, उपाधि होता है बच्चा, ओके चलो आ जाओ। तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्होंने बताया था भारतो भाग्य विधाता इन्होंने ये बताया था, जो कि बंगाली लैंग्वेज में। फिर हमने इसे एडॉप्ट कब किया बच्चे, अपने फुल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 में हमने इसे अडॉप्ट किया था। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्लियर हो रही हैं तो थम्स अप करके बताना, यस मैम क्लियर हो रही हैं, सॉलिड है, मज़ा आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें नेशनल एंथम के बारे में हमें पता चल गया कि मैम इसे हमने फुल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमने इसे अडॉप्ट किया। ओरिजिनली इसे देखा जाए तो बंगाली लैंग्वेज में, और आप देखेंगे इसे किसने क्रिएट किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कंपोज किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने कहा था भारतो भाग्य विधाता, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें एक थोड़ी सी थिंकिंग और जोड़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कौन से थिंकिंग, इसके ड्यूरेशन कितने होते हैं, यानी कि ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए 52 सेकंड की क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है, यानी कि गाने की अगर हम बात करें, आप कितने समय में इसे गा के कम्प्लीट करेंगे नेशनल एंथम को, तो आपने 52 सेकंड में इसे कम्प्लीट करना है, ओके। अब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी कि यस मैम आप तो बोल रही हैं, इसे अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, तो ये अडॉप्शन तो जब हुआ तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, यस बच्चा लोग यस बन चुका था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, तो आपका लगा था 2 ईयर्स का समय लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम लगा था, ठीक है। इसको भी आप क्या करोगे, अपने प्यारे प्यारे नोट्सबुक में छाप लोगे, तो छाप लो एक बार जल्दी जल्दी, है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा 4th टॉपिक आ चुका है नेशनल एम्बलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, ये क्या है, आपने ऐसा देखा है क्या, ऐसा इमेज देखा है क्या, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके सारनाथ से लिया गया है, कहाँ से, तो नेशनल एम्बलम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे सारनाथ से लिया गया है। अब कब लिया गया है वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना, नेशनल एम्बलम को कब लिया गया है, यानी कि सारनाथ और कब लिया गया है, यानी कि 280 BC में इसे लिया गया, ठीक है। इतनी बातें राइट डाउन कर लेना आप लोग अपने अपने कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्या है वो देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चा यहाँ से बन सकता है, सारनाथ से लिया गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 एशियाटिक लॉयंस की बात की गई है, कितने, तो 4 एशियाटिक लॉयंस की बात की गई है।
अब ये फोर एशियाटिक लॉयंस जो हैं वो क्या क्या सिंबलाइज्ड करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या क्या सिंबलाइज्ड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंबलाइज्ड करते हैं अपना पावर, एंड सेकंड देखोगे तो प्राइड, एंड थर्ड आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड थर्ड एंड फोर्थ आप सभी बताना फोर्थ क्या होगा। एक मिनट का समय लो और फटाफट बताओ ये जो फोर लॉयंस हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप सिंबल्स में देखो यहाँ पे फोर लॉयंस, ये फोर लॉयंस नॉर्मल लॉयंस नहीं है, ये एक एशियाटिक लॉयंस है और एशियाटिक लॉयंस का एक आपको सिंबलाइज करता है पावर को, प्राइड को, कॉन्फिडेंट को, एंड चौथा आप बताना और ये लॉयंस जो हैं वो कौन कौन से लॉयंस हैं। अगर इतनी बातें हम कंप्लीट कर ले जाते हैं तो यहाँ पे बुल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एलिफेंट, और इसके पीछे आपको लॉयन देखने को मिल जाएगा। ये सभी क्या करेंगे, सिंबलाइज्ड करेंगे, जिनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है। तो पहले आप लोग इसके लिए कमेंट करना कि चौथा वाला क्या करता है, फटाफट एक मिनट में कमेंट करना आप सभी, कमेंट करना आप लोग। चलो किसी ने बताया क्या, किसी ने बताया क्या, हाँ 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 हेलो, किसी ने बताया क्या, नहीं अभी तक नहीं आंसर आया। तो बच्चे ये करेज को, करेज, करेज आप सभी को पता चल गया, यानी फोर एशियाटिक जो लॉयंस है हमारे किसको सिंबलाइज्ड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, प्राइड, कॉन्फिडेंस एंड करेज, ये चारों को क्या करता है, सिंबलाइज्ड करता है। ओके तो आपको यहाँ पे दिखा ये चारों को सिंबलाइज्ड करता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके लॉयंस होते हैं, अगर वो कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आपको चार चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, दो आगे की तरफ होती हैं और दो इसके जस्ट पीछे होती हैं, और जो दो आगे की तरफ होती हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे कि हम लॉयन कह, ठीक है, लॉयन है, एलिफेंट है, तो लॉयन है, एलिफेंट है, हॉर्स है, एंड आप सभी बताना एंड बुल, ये है। ओके अब इनका भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीन्स होता है, क्या कोई भी बताएगा क्या कि क्या मीन्स होता है। जैसे लॉयंस की हम बात करते हैं तो लॉयंस आपकी ब्रेवरी को बताता है, किसको बताता है, ब्रेवरी को बताएगा। एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट आपकी किसको बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा, स्ट्रेंथ को। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास हॉर्स एंड बुल है, हॉर्स एंड बुल के लिए आप लोग कमेंट करिएगा बच्चे ये किसको डिफाइन करता है, ये किसको सिंबलाइज्ड करता है, इसका मींस क्या होता है। तो फटाफट आप लोग दो के लिए कमेंट करना, दो के लिए फटाफट कमेंट करना आप लोग, है ना। चलो वेरी गुड, किसी के भी कमेंट आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि हॉर्स मैम किसके लिए डिफाइन करता है, किसको बताता है। तो हॉर्स बच्चा आपके एनर्जी को बताता है, किसको बताता है, एनर्जी, वेरी गुड। और बुल, चलिए बुल बताएंगे सभी लोग, क्या बुल हैं क्या, नहीं नहीं आपने बुल देखा क्या, चलो एक बार सभी के कमेंट आएंगे उसके बाद ही मैं डिफाइन करूंगी। चलो बता देना एक बार क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बताया क्या सभी ने, बताया क्या सभी ने, हार्ड वर्क, वेरी गुड। ये किसको डिफाइन करता है, ये हार्ड वर्क को डिफाइन करता है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लेना मेरे बच्चे, एक बार सभी लोग देख लेना, बहुत ही बढ़िया है कॉन्सेप्ट। ये लॉयन आपके ब्रेवरी को बताता है, एलिफेंट स्ट्रेंथ को बताता है, हॉर्स जो है एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एंड बुल आपके हार्डवर्क को डिफाइन करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड क्लास, चलो आ जाओ। यानी कि हमें यहाँ तक सारी चीज़ें नेशनल एम्बलम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो और फिगर आप लोग देख लेना, आपने देखा होगा अगर सारनाथ आपने विजिट किया होगा, आपने घूमा होगा, एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप वहाँ पे घूमे होंगे तो आपको ये बातें पता होंगी कि उसे 280 BC में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल मोटो। हमारा नेशनल मोटो क्या है बच्चे, ये कुछ और नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे नेशनल एम्बलम का, ये कुछ और नहीं होता, ये हमारे, अगर हम बात करते हैं नेशनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते है, वो सत्यमेव जयते क्या होता है, तो सत्यमेव जयते आपको दिखाएगा यहाँ पे, यह एक तरीके का इंटीग्रल पार्ट होता है किसका,
इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, तो नेशनल एम्बलम का ये इंटीग्रल पार्ट होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बच्चे लॉयन के बारे में, एलिफेंट के बारे में, अभी हमने जस्ट प्रीवियस आपको पढ़ाया एलिफेंट के बारे में, लॉयन के बारे में, और हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे हॉर्स के बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा यहाँ पे, तो अभी हमने स्टडी चारों के बारे में किया था, बुल के बारे में। जो लॉयन था आपका वो क्या डिफाइन कर रहा था, यहाँ से बताना आप सभी लोग। तो जो लॉयन था आपका, वो आपका डिफाइन कर रहा था ब्रेवरी को। फिर एलिफेंट ने आपको क्या बताया था, स्ट्रेंथ बताया, हॉर्स ने आपको एनर्जी दी, एंड बुल ने आपको हार्ड वर्क करना सिखाया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई थी। तो यहाँ के इसके नीचे के इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो सको। ओके, चलो आ जाओ, इतनी बातें हमें पता चल गई। तो एक यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है आपके नेशनल एम्बलम का, तो मैम ये भी बता दो आप इसे डिज़ाइन किसने किया है। तो बच्चे इसे डिज़ाइन किया है अपने दीनानाथ भार्गवा, इनका फुल नेम था दीनानाथ भार्गवा, इन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। और नेक्स्ट थिंग इससे पूछा जा सकता है आपके लिए, एक और क्वेश्चन अगर बन सकते हैं यहाँ से, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सत्यमेव जयते है, अगर आप उसे देखो तो ये कुछ भी नहीं है, दिमाग में ही रखना, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, इसे कुछ भी नहीं समझना, बस इतना समझना कि नेशनल एम्बलम जो मैम ने पढ़ाया है उसके नेशनल एम्बलम के बारे में मैम ने डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया मुझे। तो यहाँ से जो इसके जस्ट नीचे होता है वो क्या होता है आपके। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ से पूछा था ये अगर राइट किया गया है तो कौन से लैंग्वेज में, तो यहाँ पे याद रखना इसकी एक लिपि होती है, वो कौन सी लिपि यहाँ पे यूज़ किया गया, देवनागरिक लिपि, ये देवनागरी लिपि में इसे क्या किया गया है, राइट किया गया है। तो चलना, इतनी बातें आप लोग राइट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है नेशनल सॉन्ग क्या है, फटाफट कमेंट कर देना नेशनल सॉन्ग क्या है, चलो फटाफट बता देना सभी लोग नेशनल सॉन्ग क्या है। ये नेशनल सॉन्ग हमारा, आप सभी को पता है इसके टू वर्सेस। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ से नेशनल सॉन्ग, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसने सैंग किया, किसने सबसे पहले गाया, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और याद रखना कि जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसका कंपोज किसने किया था, तो बंकिम चंद चटर्जी, लिख लेना कॉपी में बंकिम चंद चटर्जी, आपने ये लिख लेना है कि इसे कंपोज किया था आपके बंकिम चंद चटर्जी ने। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखना आप लोग, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है वो कौन से लैंग्वेज में, तो संस्कृत, कौन से लैंग्वेज में, आपके संस्कृत लैंग्वेज में, जिसे आपने कंपोज किया बंकिम चंद चटर्जी ने। और इसके टू वर्ड्स हैं जिसमें कि आपने फर्स्ट वर्ड्स को ही जानना है, इसे नेशनल सॉन्ग कहते हैं। और जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चंस कहा था कि बताना आप सभी लोग इसे सबसे पहले साइन किसने किया, किसने फर्स्ट टाइम सैंग बाई रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, आई होप कि बातें क्लियर हो रही होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। तो गाइज, आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आपको सारे फाइल को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने आज के जो सेशन में वो आइकन्स एंड सिंबल्स को देखा, जिसमें कि हमारे नेशन में इंपॉर्टेंट आइकन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके सिंबल्स होते हैं,
इस सिंबल्स में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ऑफिशियल नेम देखा था, जो हमारा ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना था, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो जो बनते थे उसे हमने देखा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या लिखना है. एंड फिर हम लोगों ने नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने पढ़ा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के इमेज को समझा. जब हमारा नेशनल फ्लैग डैमेज जाता है तो भी हमारे क्वेश्चन आए कि इसे क्या करते हैं, तो या तो फुल डिग्निटी के साथ हम बर्न करेंगे या फिर हम बरी करेंगे. ओके, फिर हमने इनके बारे में काफ़ी सारी थिंकिंग पढ़ी, जैसे कि इसके साइज़ क्या है, इसके शेप क्या है, इसके रेशियो क्या है, एंड इसे अगर आप बेस्ड देखोगे अडॉप्ट कब किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी. ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग फिर से आए थर्ड में, जिसमें हम लोग नेशनल एंथम को हमने देखा. नेशनल एंथम के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट थिंग को क्या देखा था, नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे पता है कि नेशनल एम्बलम क्या होता है, अगर आपने विजिट किया होगा सारनाथ तो आपको पता होगा. ओके, चलो आ जाओ. तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स और इम्पोर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स को आज हम लोगों ने देखा है. ओके, तो चलो आज की क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो भी थिंकिंग थी, अच्छा हमारे एक लास्ट टॉपिक छूट रहा था, उसे हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हमें देना है और हमें इस बार अपने सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है. ओके, तो हमारा नेशनल डेज़ की अगर हम बात करें तो आपके 3 नेशनल डेज होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या होता है, इसमें परेड आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारा एक नेशनल डे होता है. इसमें हमारे नेशनल फ्लैग हमें क्या करते हैं, हम लोग इसे यूज़ करते हैं. एंड आप यहाँ पे देखोगे तो 15 अगस्त एंड 26 जैन एंड 2 अक्टूबर, ये आपके इम्पॉर्टेंट 3 डेज हैं जो कि हम जिसे नेशनल डेज बोलते हैं. आई होप कि यहाँ से आपको बातें क्लियर होंगी. तो बताइएगा गाइस कि आज की क्लासेस आप लोगों के लिए कैसी हैं. प्यारे प्यारे बच्चे, मस्ती आई, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं आज के टॉपिक को. और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग वेट करिएगा, जैसे आप लोग डेली करते हैं वेट अपने प्यारे प्यारे रुचि मैम का. थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत.